भिवानी के बीटेक के छात्र मोहित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तकनीकी क्षेत्र में कार्य करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग के क्षेत्र में कार्य करते हुए 24 पेटेंट व 7 स्टार्टअप अपने नाम करवाए हैं। इसके चलते उन्हें राइट चॉइस अवार्ड मैगजीन द्वारा एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह अवार्ड नई दिल्ली में 25 अगस्त को अभिनेत्री मंदिरा बेदी द्वारा प्रदान किया गया। मोहित को यह अवार्ड उनके स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाने व योगदान देने के लिए दिया गया है। मोहित का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। राइट चॉइस अवार्ड मैगजीन, जो देश की सर्वश्रेष्ठ बिजनेस मैगजीन है, उनकी तरफ से दिया गया है। भिवानी निवासी 21 साल के मोहित के नाम 24 पेटेंट और 7 स्टार्टअप हैं। मोहित एमके ऐप क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक व सीईओ हैं। मोहित को आज की युवा पीढ़ी अपना इंस्पिरेशन मानती है। मोहित ने बताया कि उनको इतने बड़े मंच पर सम्मानित होने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग के क्षेत्र में 24 पेटेंट व 7 स्टार्टअप रजिस्टर करवाए हैं। वर्ष 2025 तक आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में वे तकनीकी रूप से देश को अपना सहयोग देंगे। मोहित ने कहा, मेरी लाइफ के असली हीरो मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाने के लिए दिन रात काम किया। मैं इस अवार्ड को उन सभी एंटरप्रेन्योर्स को समर्पित करना चाहूंगा जिनके पास इस देश को विकसित करने की दृष्टि है। अवार्ड मिला है, यह एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इसके अंदर दुनिया भर से लोग आए हुए थे, दुनिया भर के लोग इसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया, नॉमिनेशन किया। इसकी जो प्रक्रिया थी वो आज से 4 महीने पहले स्टार्ट हुई थी। इनकी एक जूरी बैठती है, जूरी ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म मेरा चेक किया। नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर हमने अपने पेटेंट्स, हमने अपनी जो भी पूरी पब्लिकेशन और हमारी जो क्वालिफिकेशन रही है वो हमें बतानी पड़ती है, और जूरी जो होती है इनकी वो इसको देखती है कि जो इन्होंने जो बताया है कि वो सही डायरेक्शन में राइट है या नहीं है। और इस चीज़ के लिए मुझे बड़ी खुशी है कि उन 2022 लोगों में से मुझे चुना गया सबसे कम उम्र में। भारत सरकार की तरफ से मुझे जो स्टार्टअप्स अवार्ड्स मिले हैं उसमें भी काफ़ी मुझे हेल्प मिली है। मेरे नाम पे 24 पेटेंट्स हैं और स्टार्टअप मैंने किए हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के तहत। और मैं इस अवार्ड को उन सभी एंटरप्रेन्योर्स को समर्पित करना चाहूँगा जिनको इस देश को आगे बढ़ाने की एक रुचि है और एक उनके उनके भविष्य के लिए, एक भारत के भविष्य के लिए मैं इस अवार्ड को समर्पित करना चाहूँगा। आपको बता दें कि मोहित द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग के क्षेत्र में काम करते हुए ऐसी तकनीक के रूप में विकसित किया है जो गाड़ी चलाने को आसान व सुरक्षित करेगी। इन पेटेंट में यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी की सीट पर बैठता है तो सेंसर गाड़ी स्टार्ट नहीं करेंगे। बगैर सीट बेल्ट लगाए गाड़ी स्टार्ट ना होने की तकनीक, कोहरे के दौरान गाड़ी के अल्ट्रासोनिक सेंसर अगले 100 मीटर तक की दूरी, वाहन व अन्य वस्तुओं का पता लगाने में, गाड़ी के सामने अचानक कोई जानवर या व्यक्ति के आ जाने पर गाड़ी ऑटो मोड में खुद जाकर इमरजेंसी ब्रेक लगाने, सैटेलाइट से जुड़े इंडिकेटर, गाड़ी मोड़ने पर खुद ही ऑन होने जैसी तकनीकें शामिल हैं जिन्हें मोहित ने पेटेंट करवा रखा है। मोहित को गूगल और नासा जैसे सर्वश्रेष्ठ कंपनियों से ऑफर लेटर भी मिला है। बता दें कि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ते भारत में मोहित जैसे युवाओं की बहुत जरूरत है। उम्मीद है मोहित की समझ भारत को टेक्निक के क्षेत्र में नंबर वन बनाने में काफी मदद करेगी तथा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। मेरे जो पेटेंट्स रहे हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ऐसे ऐसे और भी काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं, जैसे मशीन लर्निंग के ऊपर हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर हैं। मैं टेक्नोलॉजी वर्क पे वर्क करता हूँ। आने वाले जो हमारा देश होगा, मेरे जो स्टार्टअप्स हैं, मेरे जो पेटेंट्स हैं, अगर ये स्टार्टअप हर सही मायने में, सही दिशा में जाते हैं तो आने वाला जो भारत सरकार होगा वो एक भारत की नई इमेज उभर कर आएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम चलाई है आत्मनिर्भर भारत, तो ये जो मेरे पेटेंट्स हैं ये मैंने पब्लिश कराए हैं उसी मुहिम के तहत आत्मनिर्भर भारत। और मैं चाहूँगा कि 2025 तक आत्मनिर्भर भारत के अंदर हम भी अपना थोड़ा सा योगदान दे सकें। मोहित को 2021 एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला है जी हाल ही में, और उसकी उपलब्धि एक स्टार्टअप को लेकर के उसने 24 पेटेंट्स अपने नाम से मतलब ग्रांट किए हैं। 7 स्टार्टअप उसके पर काम चल रहा है। जो नरेंद्र मोदी की मुहिम है आत्मनिर्भर भारत, उसको लेकर के ये अपनी पढ़ाई के दौरान ही कर रहा है। और हमें लगता है कि जब कोर्स इनका पूरा हो जाएगा तो एक देश को एक नई ही दिशा में, नई ही टेक्नोलॉजी में ये इसका दिमाग चल रहा है हमारे। जी, एक तो इकोनॉमिकल के लिए काफ़ी वो रहेगा, एक गाड़ियों के लिए एक्सीडेंट ना हो। हाल ही में रोज़ जनता एक्सीडेंट से जा रही है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन इन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसी तकनीक उपलब्ध खोज की है कि आने वाले समय में वो सभी गाड़ियों में यदि वो लग जाती है तो हिंदुस्तान में कोई भी एक्सीडेंट से नहीं मारा जाएगा। और मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर को सरकार हर एक गाड़ी में कंपलसरी करे ताकि भारत देश एक नई दिशा में जाए।